जैसे कि अपने सेंटर लाइन डालना है, स्टेक पॉइंट में जाना है जो कि स्टेक पॉइंट में आ गया। स्टेक पॉइंट में आने के बाद ओके करना है, ओके कर लिया, यहाँ पॉइंट स्टाइल आ गई। पॉइंट में जा कर के अपने को डालना है, जो भी पॉइंट डालना है अपन को उसका नाम डाल दो तो आ जाएगा। जैसे कि मैंने 3600 का डाल रहा हूँ, 3630 का डालना है तो 6000 आ गया ये सामने। अपन को ये डाटा एक्सेप्ट कर लेना है यानी ओके करना है। ओके करेंगे तो ऐसा दिखाएगा आइकॉन, फिर डंडे को मूवमेंट करेंगे तो उसके पॉइंट में आएगा वो। जैसे कि पॉइंट फाइनल हो जाता है तो जो कि ग्रीन हो जाता है। फिर नेक्स्ट करने के लिए बस ये कर्सर से आगे पीछे अपन कर सकते हैं। अब आगे जाना है तो आगे जाने के लिए बता दिया कि इतनी दूरी पे आप आगे जाओ, ये बोल रहा 10 मीटर आप आगे जाओ नेक्स्ट पॉइंट लेने लिए। तो जैसे कि किसी भी लाइन का पर्टिकुलर अगर अपने को ऑफसेट मारना है तो अपन कोगो प्रोग्राम में जाएंगे। कोगो प्रोग्राम में जाने के बाद अपन को बेयरिंग एंड डिस्टेंस में जाना है, बेयरिंग एंड डिस्टेंस को ओके कर लेना है। फिर अपने को जिसका राइट एंगल मारना है उसको अपन को यहाँ बुलाना है। जैसे कि मैं मार रहा हूँ 3630 का, ये डाटा आ चुका है, ए पॉइंट में हो जाएगा 6300। फिर अपन डालेंगे बी पॉइंट, बी पॉइंट में दूसरा पॉइंट आ जाएगा अपना 3640, जो कि डाटा आ चुका है, इसको ओके कर देता हूँ। फिर बोल रहा हूँ अपने को कितनी दूरी पे चाहिए, तो अगर डिस्टेंस में चाहिए तो अपन यहाँ डिस्टेंस डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ डाल दिया अभी 1 मीटर। फिर ऑफसेट पूछ रहा कितने ऑफसेट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए कि राइट में चाहिए। अगर लेफ्ट में चाहिए तो अपने को यहाँ माइनस लगाना रहता है, फिर उसका ऑफसेट लिखना है कितने मीटर में चाहिए। जैसे कि मेरे को 10 मीटर में चाहिए, मैंने 10 मीटर डाला, 10 मीटर डाल के मैं ओके कर लिया। फिर कैलकुलेट किया, कैलकुलेट कर देता है तो डाटा दिखा दिया अपने को। अपने को डाटा अगर सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए यहाँ कोड में जाओ, कोड में जा कर के उसका जो भी नाम आप देना चाहते हैं नाम दे दो, फिर यहाँ से स्टोर कर दो। फिर इसको यहाँ से स्टोर करने ये बेस है हमारा, बेस सेटिंग करते ट्राइपॉड वगैरह लगा दिए, इस पे टेप लगा के मेजरिंग कर लो क्या हाइट है। फिर हाइट अपन डाल दिए कंट्रोलर के अंदर, इधर पास में लगा। फिर अपन कंट्रोलर में स्विच टू बेस में जाएंगे। स्विच टू बेस में जाने के बाद गए अपन स्विच टू बेस में, बेस सेटअप गए, बेस सेटअप को ओके कर लिया। ओवर एनी कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट में जाएंगे। वो यहाँ पे बेस से कनेक्ट हो चुका है। अब ओवर कोऑर्डिनेट पॉइंट पे जाएंगे अपन, यहाँ पे इसके एंटीना का हाइट डालेंगे रोवर का, ये सॉरी बेस का। बेस की हाइट डालने के बाद अपन नेक्स्ट करेंगे। फिर अपना जो परमानेंट बेंचमार्क है उसका डाटा यहाँ पे स्टोर पॉइंट से बुलाएंगे अपन, जो भी जगह पे अपन लगा रखे हैं। जैसे कि मैंने अभी लगा रखा है वो मैंने अभी डाला, ये बुला लिया। ये बुलाने के बाद ये पॉइंट नंबर है, ये जब अपन पूरी तरह से शोर है कि ये डाटा हमारा एग्जैक्ट सही है तो अपन नेक्स्ट कर देंगे। फिर वो बोल रहा है कि आप प्रेस द रोवर करें, प्रेस द रोवर करते ही अपना रोवर से कनेक्ट हो जाएगा। रोवर से कनेक्ट होते ही अपना वर्किंग काम चालू हो जाता है।
ये ट्राइपॉड स्टैंड अपन ने लगा दिया, बेस प्लेट को अपन ने लेवल में रख दिया। लेवल करने के बाद फिर अपन ने बेस को लगाया। बेस को लगाने के बाद फिर अपन क्या करते हैं, इसका टेप से मेजरिंग करते हैं। मेजरिंग करने के बाद कंट्रोलर के अंदर इसकी हाइट डाली जाती है, उससे अपना पॉइंट एक्यूरेट फाइनल होते हैं, एरर नहीं रहता उसके अंदर। दिया हुआ है ये बबल को अपन को सेटअप करना रहता है। बबल को बराबर रेंज करो ट्राइपॉड के सहारे, थोड़ा बहुत रह जाए तो जेक से कर लेना। जेक से करने के बाद